नमस्कार दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के दिन इतिहास में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। 31 जुलाई 1498, ऑन दिस डे क्रिस्टोफर कोलंबस अराइव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ त्रिनिदाद ड्यूरिंग हिज थर्ड विजिट। आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी तीसरी यात्रा के दौरान त्रिनिदाद द्वीप पर पहुंचे थे। 31 जुलाई 1658, ऑन दिस डे मुगल एम्पायरर औरंगजेब हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ किंग ऑफ मंगोल। आज ही के दिन मुगल सम्राट औरंगजेब ने स्वयं को मंगोल का राजा घोषित किया था। 31 जुलाई 1865, On this day, the world's first small railway line was started in Australia. आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में विश्व की पहली छोटी रेल लाइन शुरू हुई थी। 31 जुलाई 1924, On this day, the Madras Presidency Club had pioneered the operation of radio broadcasting. आज ही के दिन मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब ने रेडियो प्रसारण संचालित करने का बीड़ा उठाया था। 31 जुलाई 1933, ऑन दिस डे महात्मा गांधी हैड लेफ्ट साबरमती आश्रम फॉरएवर। आज ही के दिन महात्मा गांधी ने हमेशा के लिए साबरमती आश्रम छोड़ा था। 31 जुलाई 1948, On this day, the first state transport corporation in India was set up in West Bengal. आज ही के दिन भारत में सबसे पहली राज्य परिवहन निगम की स्थापना पश्चिम बंगाल में की गई थी। 31 जुलाई 1950, On this day, India and Nepal had signed the Peace and Friendship Treaty. आज ही के दिन भारत और नेपाल ने शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 31 जुलाई 1992, ऑन दिस डे 113 पीपल डाइड आफ्टर थाईलैंड्स प्लेन क्रैश इन काठमांडू, कैपिटल ऑफ नेपाल। आज ही के दिन नेपाल की राजधानी काठमांडू में थाईलैंड का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 113 लोगों की मौत हुई थी। 31 जुलाई 1993, ऑन दिस डे इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग सी म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन कलकत्ता। आज ही के दिन भारत के पहले तैरते हुए समुद्री संग्रहालय का कलकत्ता में उद्घाटन हुआ था। थर्टी फर्स्ट जुलाई 2004, On this day, Economic Cooperation Forum, BIMSTEC was renamed Vangatixis. आज ही के दिन आर्थिक सहयोग मंच BIMSTEC का नाम बदलकर Vangatixis किया गया था। 31 जुलाई 2005, On this day, Uzbekistan ordered the United States to withdraw its military base. आज ही के दिन उज्बेकिस्तान ने अमेरिका को अपने सैनिक अड्डे हटा लेने का आदेश दिया था। 31 जुलाई 2006, ऑन दिस डे विद द एंड ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट इन श्रीलंका 50 पीपल वर किल्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द LTTE। आज ही के दिन श्रीलंका में युद्ध विराम समझौता समाप्त होने के साथ ही LTTE के साथ संघर्ष में 50 लोग मारे गए थे। 31 जुलाई 2007, ऑन दिस डे इंडियन अमेरिकन डॉक्टर सुधीर पारिख वाज अवार्डेड द पॉल हैरिस अवार्ड। आज ही के दिन भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिख को पॉल हैरिस अवार्ड प्रदान किया गया था। 31 जुलाई 2009, On this day, Pakistan's Supreme Court had termed the emergency imposed by former President Pervez Musharraf in 2007 as unconstitutional.
आज ही के दिन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ द्वारा 2007 में लगाए गए आपातकाल को असंवैधानिक करार दिया था। 31st July 2014. On this day, according to the World Health Organization, more than 57 people died from Ebola in West Africa. आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पश्चिम अफ्रीका में इबोला से 57 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तो दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो।